सलमान खान की नई फिल्म जिसका सबको सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, राधे, उसका ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग, सबसे ज्यादा मजेदार चीज इसमें देखने के बाद यही लगी, एक बार फिर से वही पुराने सलमान खान और रणदीप हुड्डा की जोड़ी इसमें देखने को मिलेगी। अब इस ट्रेलर को देखने के बाद दो और चीजें दिमाग में आती हैं और दो चीजों की याद आती है। पहली तो सलमान खान जो 2008 से 2012-13 के बीच में 2-4-5 साल में फिल्में आई थी उसमें, वो वाले सलमान खान, और दूसरी रेस 3, जिस तरह से इस फिल्म में गाड़ियां उड़ाई जा रही हैं, एक्शन है, बिल्कुल रेस 3 जैसा सीन क्रिएट किया जा रहा है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम ट्रेलर की। ट्रेलर में होता क्या है कि शुरुआत होती है यूं, रणदीप हुड्डा इसमें एक विलन के रूप में नजर आ रहे हैं। मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा ड्रग का नेक्सस चल रहा होता है, एक बड़ा कार्टल होता है, और मुंबई में एक क्राइम, लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा होता है। ऐसे में एक पुलिस ऑफिसर आते हैं, वो होते हैं सलमान खान। उसको ख़त्म करने के लिए, क्राइम को ख़त्म करने के लिए सलमान खान को बुलाया जाता है, जैसा कि सभी फिल्मों में ऐसा होता है। इसके बाद सलमान खान आते हैं और इस क्राइम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि सलमान खान जिस तरह से काम करते हैं, वो एकदम पुरानी फिल्मों में जो सलमान खान का रोल था वैसा फीलिंग देखने को मिलता है इसमें। ट्रेलर के बीच बीच में जैकी श्रॉफ भी दिखते हैं। इस फिल्म का म्यूजिक दिया है साजिद वाजिद और हिमेश रेशमिया ने। फिल्म को डायरेक्ट किया प्रभुदेवा ने और प्रोड्यूस खुद सलमान खान ने किया है। और ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म और सिनेमा थिएटर्स में दोनों जगह पर रिलीज होगी। 13 मई को ये फिल्म आएगी, 13 मई को ये रिलीज होने वाली है फिल्म। ट्रेलर को देखने के बाद तो अच्छा ही लग रहा है, ठीक ठाक ही लग रहा है, रणदीप हुड्डा का और सलमान खान का सबका अच्छा ही लग रहा है। ट्रेलर को देखने के बाद एक्शन एक्शन एक्शन, क्राइम क्राइम क्राइम, वही थ्योरी है जो बॉलीवुड में और फिल्मों में लगातार एक सेम पैटर्न चलता रहता है। और बाकी तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।